हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम आपको टूर कराएंगे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का और हमारी फ़्लाइट है दिल्ली से गोवा की। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में एयरो सिटी महिपालपुर एरिया में सिचुएटेड है और जो भी देश में डोमेस्टिक फ़्लाइट जाती हैं वो टर्मिनल 2 से मोस्टली जाती हैं। पूरा एयरो सिटी एरिया बहुत डेवलप्ड है और यहाँ पे हाई क्लास होटल्स से लेकर मीडियम रेंज बजट कैटेगरी के होटल्स भी आपको इजीली मिल जाएंगे। एयरपोर्ट पे एंट्री से पहले आपकी टिकट और आपका आइडेंटिटी कार्ड चेक होता है एंड देन ओनली आपको एंट्री दी जाती है। जैसे आप एंट्री करते हो तो आपको जगह जगह पे वेब चेक इन के काउंटर्स दिखते हैं जहाँ से आप इजीली वेब चेक इन भी कर सकते हो और आप फिजिकल इन पर्सन चेक इन भी इजीली कर सकते हो। यहाँ पर क्योंकि हमारे पास लगेज था तो हमने बैग चेक इन कराया सबसे पहले एंट्री करके, हमारी बेसिक डिटेल्स पूछी गई, हमने यहाँ पे वेब चेक इन भी कराया और हमने अपना बैग लगेज सबमिट कर दिया और वो डायरेक्टली फ़्लाइट में चला गया। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोसेस और उसके बाद आपको कराना होता है सिक्योरिटी चेक इन। सिक्योरिटी चेक इन में आपको जो आपके पास हैंड बैग है या जो आप बैग अपने साथ फ़्लाइट में ले जाने वाले हो उसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक सामान आपके पार्सल ट्रे में रखना होता है पहले निकाल के। उसके बाद आप जाते हो स्कैनर के अंदर से और आपकी चेकिंग होती है CISF के द्वारा और उसके बाद आपका जो पूरा सामान है वो अलाउड होता है। उसके बाद आप बैग में रखिए और आप गुड टू गो हैं फिर एयरपोर्ट में ऑफिशियली एंट्री करने के लिए जहाँ पर आपको शॉप्स और उन सब पे एक्सेस मिलता है। यहाँ पे आपको बैठने की, वेट करने की, शॉपिंग करने की, खाने की, सब चीज़ की फैसिलिटीज़ मिलती हैं। सारी शॉप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। एक तरीके से आप मान लीजिए शॉपिंग मॉल खुला होता है एयरपोर्ट्स के अंदर। सबसे बेस्ट पार्ट है कि आपको टॉयलेट्स और स्मोकिंग रूम्स की भी सुविधा यहाँ पे मिलती है। शॉपिंग खाने के साथ साथ यहाँ पे आपको एयरपोर्ट पे एग्जीक्यूटिव लॉन्जेस की भी सुविधा मिलती है। पूरे एयरपोर्ट्स पे आपको जगह जगह LED डिस्प्ले स्क्रीन्स दिखती है जहाँ पे आपको दिखता रहता है कि आपकी फ़्लाइट का टाइमिंग क्या है, किस समय वो आने वाली है और उसके हिसाब से ही आपको गेट्स नंबर भी दिखते हैं कि आपकी फ़्लाइट की बोर्डिंग जो है वो किस गेट से होगी। तो आपको वहाँ पे यही देखना होता है। एक तरीके से जैसे रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म का कंसेप्ट होता है सेम उसी तरीके से यहाँ पे गेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी आपका गेट नंबर होता है वहीं से आपको बोर्ड कराया जाता है, या तो आपको बस के थ्रू ले जाया जाता है प्लेन के अंदर या फिर आपको रैंप के थ्रू ले जाया जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, इंडिगो वेलकम्स यू। फॉर योर सेफ्टी, फर्मली होल्ड ऑन टू द हैंडल।
जैसे कि इस केस में हमारा प्लेन थोड़ा सा दूर खड़ा हुआ था, तो हम बाय बस गए थे प्लेन के पास एंड देन उसके बाद हमने उसको बोर्ड किया था। लेकिन कुछ केसेस में आप वायर रैंप भी इजिली प्लेन के अंदर बोर्ड कर सकते हो। सो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। इंडिगो की फ़्लाइट में बेसिक सेफ्टी इंस्ट्रक्शन मैनुअल और साथ ही साथ एक मैगजीन रखी होती है, आप पढ़ सकते हो इफ़ यू वांट टू टाइम पास। थोड़ी सी देर में हमारा प्लेन टेक ऑफ के लिए रनवे पे आ चुका था एंड इट वाज रेडी टू टेक ऑफ। अगर आपको नेचर में और नज़ारों में शौक है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप विंडो सीट प्रेफर कीजिए जब भी आप प्लेन में जर्नी कर रहे हो। आपको शायद लाइफ में कुछ अमेजिंग नज़ारे देखने को मिलते हैं विंडो सीट के थ्रू। फ्लाइट के अंदर ही हमने अपना लंच लिया जिसमें था वेजिटेरियन मील, साथ ही साथ जूस का ऑप्शन था। देखते ही देखते हम लोग गोवा पहुंचने वाले थे, 2 घंटे की फ़्लाइट थी, सफ़र कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला एंड वी वर अबाउट टू लैंड इन गोवा। लैंड करते ही हमने जो लगेज हमारा चेक इन कराया था फ्लाइट में बैठने से पहले वो हमने पिकअप किया लगेज बेल से। उसके बाद हम निकल गए एयरपोर्ट से बाहर कैब लेने के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, गोवा में ओला ऊबर बिल्कुल नहीं चलती हैं, तो यहाँ पे इनकी एक लोकल टैक्सी एप्लीकेशन है गोवा माइल्स करके, उसका रेट चार्ट मैंने यहाँ पर डाल दिया है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप कैब सर्विस इजीली अवेल कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।